फूडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने, खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर आलू और प्याज की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले लहसुन लेंगे, तो जिसमें मैंने 8 से 10 कुलियां लहसुन की ली है और इसको बारीक पीसना पड़ेगा। बारीक पीसने के लिए हम इसमें अगर नमक मिलाते हैं तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, और अगर आपको थोड़ा मोटा लहसुन पसंद है तो हम इसमें बगैर नमक डाले भी पीस लेंगे और इसे हम चाकू से बारीक बारीक भी काट सकते हैं। अब हमने 2 प्याज लिए और उसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्ची ली और उसे भी इस तरह से बारीक काट लिया, थोड़ा सा धनिया डालेंगे बाद में, कसूरी मेथी, 4 टमाटर की प्यूरी हमने बना के रेडी कर ली है, और मैंने 250 ग्राम ये पनीर लिया है। वैसे तो पनीर घर पे बनाते हैं लेकिन ये मार्केट से जो पनीर लाया हुआ था तो इसे हमने पानी में डाल के रख लिया, इससे पनीर एकदम फ्रेश रहता है। घर पे पनीर बनाने की वीडियो आप हमारे लिंक पे जाके देख सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो हमने ये पनीर के जो पीसेस काटे थे ये फ्राई करेंगे। ये धीमे ही और मध्यम आंच पे ही फ्राई करना है हमें इसको, लो मीडियम फ्लेम पे, तेज नहीं करेंगे आंच को, और धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि पनीर नीचे तली पे लगे नहीं। इसमें हमें थोड़ी सी मोटे तले की कढ़ाई लेनी चाहिए। जब तक हमारा पनीर फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरी कढ़ाई में ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, और इसके लिए मैंने 2 चम्मच लगभग घी डाला है। गैस को ऑन कर दिया, घी गर्म हो गया है तो अब इसमें मैंने साबुत गर्म मसाला जिसमें तेजपत्ता, 2 लौंग, इलायची, थोड़ी सी हींग डाली, और अब हम इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल देते हैं। इसको लगभग 1.5 से 2 मिनट तक प्याज को हम पकने देंगे, जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाए। और अब हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया पिसा हुआ। अच्छे से हिलाएंगे, चॉप की भी मिर्ची डाल देते हैं। प्याज और लहसुन को अच्छे से पकने देते हैं। जब तक हमारे प्याज लहसुन पक रहे हैं हम साइड में मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाल के, और डायरेक्ट हम बिना पानी में डाले एक बार मसाले में सीधा डालेंगे, और 8-10 सेकंड फ्राई होते ही हम ऊपर से फटाफट टमाटर की प्यूरी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाले को प्यूरी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक अब हमारे पनीर भी फ्राई हो गए हैं इनको निकाल लेते हैं। पनीर आप देख रहे हैं इस तरह से हल्के हल्के ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसमें आलू के पीसेस डालेंगे, इनको भी फ्राई होने देंगे। ऐसा करने से फटाफट सब्जी बन जाती है, एक साइड में हम फ्राई करते रहेंगे और दूसरी साइड में हमारा मसाला रेडी हो रहा है। मसाले को देख लेते हैं, ग्रेवी अच्छे से पक रही है। अब इस स्टेज पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इसने घी रिलीज कर दिया है, तो मैं इसमें 3 चम्मच लगभग दही डाल रही हूँ। दही डाल के इसको अच्छे से हिलाएंगे। दही डालने के बाद में इसको हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो दही हमारा फट जाता है, तो कंटिन्यूस इसको हिलाएंगे। और अब इस मसाले को लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं। इस स्टेज पे अब हम प्याज डालेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इन प्याज को मैंने पीछे से क्रॉस में कट लगाया है, ये कट हम 1/2 से ज़्यादा तक कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से पहुंच जाए। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ, ये मेरे घर की मलाई निकली हुई है दूध की, फ्रीज़र में मलाई रखती हूँ मैं, और
दो चम्मच भर के मैंने इसमें मलाई डाली है। मलाई को भी अच्छी तरह से हिला लेंगे। और आंच को हल्का तेज कर देंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला था मसाले के साथ, तो दो चम्मच नमक डाल देते हैं। आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आलू और पनीर फ्राई हो गए हैं। अब मसाले ने धीरे धीरे घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो मैं इसमें एक चम्मच शक्कर मिला रही हूँ। कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी नहीं होता आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमारे जो ये फ्राइड हैं, फ्राइड पनीर और आलू, ये हम मसाले में मिक्स कर देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। और इसमें मसाले में ग्रेवी में जाली पड़ने लग गई, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और सब्जी लगभग रेडी हो गई है हमारी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।